दिल्ली की आबो हवा हुई खराब, सांस लेना भी हो गया दूभर, आसमान में छाई जहरीली चादर, पटाखों पर बैन का नहीं हुआ असर, आदेशों की उड़ी धज्जियां, देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर रोक शायद सिर्फ कहने के लिए थी, क्योंकि दिल्ली में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। सारे नियमों और आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने पूरा शहर धुआं धुआं कर दिया। देर रात ही दिल्ली को जहरीली धुएं की चादर ने अपने आगोश में ले लिया था। दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन देर रात तक चली आतिशबाजी ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा दी है। दिवाली की रात 8 बजे के बाद ही साउथ एवेन्यू, सरोजनी नगर, नेहरू नगर, पटपड़गंज, जहांगीरपुरी और कस्तूरबा नगर सहित कई इलाके में AQI 900 के पार चला गया। ये हाल तब है जब दिल्ली सरकार ने पटाखों की खरीद, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसके रोकथाम के लिए टीमें भी बनाई गई थी। पिछले सालों में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर, 2019 में दिवाली के दिन AQI 337 रहा था, 2020 में दिवाली के दिन AQI 414 रहा, 2021 में दिवाली के दिन AQI 382 रहा था। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में दिवाली के दिन AQI 312 था। 2023 की बात करें तो दिवाली के दिन AQI 218 रहा था। गंभीर वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे लोगों में सांस संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पटाखों के धुएं में कई ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इसलिए दिवाली के बाद खांसी, अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याओं के मामले में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। इन समस्याओं से ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। पटाखों का धुआं सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, इसके गंभीर परिणाम पूरे शरीर पर होते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक खतरा है कैंसर का। जी हाँ, पटाखों की रंगीन चमक के लिए जिन रसायनों और रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, वह कैंसर के खतरों को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब दिल्ली की हवा तो जहरीली हो चुकी है, ऐसे में आप अपने आप को बचाएं, खास ध्यान रखें और बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें।